प्रदूषण पर निबंध 10 लाइन। तो बच्चों आज हम 10 लाइन प्रदूषण पर निबंध लिखेंगे, तो वीडियो ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। और वह 10th क्लास 12th क्लास के लिए बहुत IMP वीडियो होने वाला है। तो पहली लाइन क्या है प्रदूषण पर जो निबंध है भाई, पहली लाइन है, जिन कारणों से हमारे वातावरण और जीवन को नुकसान पहुंचता है प्रदूषण कहते हैं उसको भाई। जिन कारणों से हमारे वातावरण और हमारे जीवन पर नुकसान पहुंचता है उसे प्रदूषण कहते हैं। जिन कारणों से हमारे वातावरण और हमारे जीवन या लाइफ पर नुकसान पहुंचता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। भाई बच्चों जिन कारणों से हमारे वातावरण और हमारे जीवन को नुकसान पहुंचेगा या नुकसान पहुंचता है उसको पॉल्यूशन या प्रदूषण कहते हैं। सेकंड लाइन है इसकी भाई, दूसरी लाइन लिखते हैं हम, यह एक मानव निर्मित स्थिति है। तीसरी लाइन है भाई इसकी, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लाइन होगी। क्या होगी भाई, वीडियो देखो। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। क्या भाई बच्चों, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होंगे या होते हैं। नंबर एक कौन सा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण। नंबर दो जल प्रदूषण, नंबर तीन ध्वनि प्रदूषण, नंबर चार कौन सा प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण। तो भाई तीन लाइन हो चुकी बच्चों, नंबर चार लाइन है प्रदूषण पृथ्वी के लिए, एक बड़ी प्रॉब्लम या समस्या है। बच्चों इसको आपको याद भी करना है, इस निबंध को आपको याद भी करना है। नंबर पाँच गाड़ी मोटर वाहन, फ्रिज, एसी आदि के प्रयोग से क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण होता है क्योंकि बच्चों गाड़ी मोटर वाहन आदि से निकलने वाला धुआं
वायु में मिलता है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। नंबर 6 लाइन है भाई, ध्यान से देखना है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, डीजे की अत्यधिक आवाज से, अत्यधिक आवाज से क्या होगा या क्या होता है? अत्यधिक आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण भी एक रूप है भाई, जिसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण होता है। नंबर 7 लाइन, बहुत IMP लाइन है भाई, इम्पोर्टेंट। कारखानों से निकलने वाला कूड़ा करकट, कूड़ा करकट जल में, नदी तालाबों में मिलने से, नदियों में मिलने से जल प्रदूषण होगा या जल प्रदूषण होता है। इसको वाटर पोल्यूशन भी कहते हैं अंग्रेजी में भाई, जल प्रदूषण होता है। नंबर 8 लाइन, जिन कारणों से प्रदूषण होता है उन पर रोकथाम होनी चाहिए। जिन कारणों से प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है या प्रदूषण होता है, उसकी रोकथाम होनी चाहिए, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। होनी हमें नंबर 9 चाहिए। लाइन है, पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में लगाने चाहिए। नंबर 10, प्रदूषण की रोकथाम के लिए, रोकथाम के लिए, रोकथाम के लिए हमें अनेक उपाय अपनाने चाहिए। तो क्या है भाई लास्ट लाइन? प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमें अनेक उपाय अपनाने चाहिए। तो बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करके बताना है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।